वेल शालीन अब कहीं ना कहीं सुंबुल से छुटकारा पाना चाहते हैं और सुंबुल से दूर रहने के लिए उन्होंने एक नया पहनावा अपना दिया। अब चलिए आपको बताते हैं ओपनली किस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है और सुंबुल से वो दूर रहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें आपको ये बात उन्होंने सबसे पहले टीना के साथ शेयर की कि सुंबुल मेरे पीछे पीछे बहुत ज़्यादा आ रही है एंड यू नो आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। स्पेशली जब से कुछ दिनों पहले टीना ने ये बात शालीन से कही कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या, जिसके बाद शालीन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शी इज़ अ बच्ची यार तो क्या बोल रही है। और दोनों के बीच एज गैप भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे सुंबुल महज 18 ईयर ओल्ड टीनेजर है तो शालीन जो है 38-39 ईयर्स के है। और ये बात आज भी वो बात करते हुए नजर आए और उन्होंने टीना की मदद ली। टीना की मदद लेने के बाद उन्होंने लिटरली ये बात जो है कही कि यार प्लीज़ मुझे बता क्या करना है। तो फिर टीना ने उसे सजेस्ट किया कि एक काम कर ले, तू एक फ्लर्ट करने की कोशिश कर, यू नो मेरे साथ निमृत है या फिर सुंबुल या फिर सौंदर्य के साथ। फिर टीना कहती नहीं मेरे साथ नहीं, इन दोनों में किसी के साथ कर ताकि जो है सुंबुल को पता चले कि तू उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और कहीं ना कहीं वो तुझसे दूर रहेगी। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी सुंबुल जो है थोड़ी लो फील कर रही थी, आज दिन भर किसी से बात नहीं कर रही थी और शालीन के पास आई। शालीन ने पूछा क्या हुआ तो कहते कुछ नहीं, आज कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, मेरे पास कुछ करने को है नहीं पूरे दिन भर में, आई हैड नथिंग टू डू। तो शालीन कहते अरे उसमें क्या, तू जा ना सबके साथ बात कर। तो कहीं ना कहीं शालीन कहता है यार मतलब मैं पूरा टाइम तो तेरे साथ बैठ नहीं सकता। और उसने कहा कि ना मुझे भी गिल्टी फील होता है। सुंबुल कहती है नहीं तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट्स लाइक नोबडी इज़ ट्राइंग टू टॉक टू मी। तो इसके बाद जो है शालीन कहते नहीं यार तू जा बात कर, ऐसा कुछ नहीं, शायद तू ना रही होगी तो किसी का और का कोई टॉपिक चालू होगा इसीलिए तुझसे बात नहीं की। और कहीं ना कहीं हम आज के एपिसोड में देखते भी है कि सुंबुल शायद फील करती है शालीन के लिए, कितना भी आप डिनाई करें, क्योंकि पूरे एपिसोड में हम देख रहे हैं अभी तक जहां चल रहा है सुंबुल पीछे 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 जा रही है शालीन के। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास और कोई फ्रेंड है नहीं और किसी के साथ वो क्लोज फील नहीं कर रही है, तो शायद उसे लग रहा है कि शालीन उसका अच्छा दोस्त है इसीलिए वो शालीन के साथ है, या फिर वो फील करती है शालीन के लिए जैसे शालीन और टीना कह रही है। इनफैक्ट गौतम भी ये बात कह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उनके ग्रुप को ये बात पता है कि सुंबुल पीछे पीछे आ रही है, जहाँ शालीन जा रही है, इवन वो किचन में जा रहे तो किचन में उनके पीछे, लिविंग में जा रहे तो लिविंग में उनके पीछे, गार्डन में तो गार्डन में पीछे। सो शालीन का लिटरली ये कहना आया बात करते हुए गौतम से कि यार मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, मैं 38-39 ईयर्स का हूँ, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी और मैं उसे बोल नहीं सकता, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू रीच टू दैट पॉइंट कि मैं सुंबुल को बता सकूँ कि यार मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, बट आई डोंट नो हाउ टू से दिस। फिर उस सब में सौंदर्य वगैरह का अलग से चीज़ शुरू हुआ, जहाँ पे सौंदर्या को पसंद करते हैं गौतम, ये उन्होंने बोला और उन्हें अच्छा नहीं लगा कि सौंदर्या ने जो किस करी थी गाल पे शालीन को। सो यस, ये ग्रुप में बड़ी सारी चीज़ें चल रही है, बट हाँ यहाँ पे शालीन कह रहे हैं मैं यहाँ पे दोस्त ही, मेरी दोस्त ही है वो और कुछ नहीं, और वो कहीं ना कहीं डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं सुंबुल से पीछा छुड़ाने का। ये स्टेटमेंट टीना का भी है, इस पर आपकी क्या राय, लेट मी नो इन द कॉमेंट।